नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस नव भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, समीना ने संजय को मिलने के लिए बुलाया, गाड़ी में बिठाकर रेत दिया गला, हिडन नदी में शव मिला, बीवी से अवैध संबंध में खान साहब ने रची खूनी साजिश। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के समीना और हबीब ने युवक सचिन की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद सचिन के शव को हिडन नदी में फेंक दिया गया। सचिन की हत्या हबीब ने समीना से अवैध संबंध के शक में की। पुलिस ने हबीब और समीना को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 को अलीगढ़ का रहने वाला 22 वर्षीय सचिन दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक रेस्तरा में काम करता था। यहाँ उसने कुछ दिन पहले ही काम करना शुरू किया था। इससे पहले वह दिल्ली में एक अन्य जगह पर काम करता था। इस कंपनी का मालिक हबीब था और उसकी फैब्रिकेशन की यूनिट थी। लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा और उसकी हबीब की 29 वर्षीय बीवी समीना से नज़दीकियाँ हो गई थी। हबीब को शक था कि सचिन के उनकी बीवी के साथ अवैध संबंध है। इसको लेकर हबीब और उसकी बीवी समीना के बीच विवाद चल रहा था और नौबत तलाक तक आ गई थी। हबीब ने समीना से अवैध संबंध के शक के चलते फरवरी 2024 में सचिन को नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि उसे अब भी शक था कि सचिन और समीना फ़ोन पर बात करते हैं और उनका संपर्क बना हुआ है। यह भी बताया गया कि सचिन ने 2 लाख भी हबीब और समीना से उधार लिए थे। हबीब ने समीना से अवैध संबंध के शक में चलते ही सचिन की हत्या का प्लान बनाया। सचिन हबीब के यहाँ नौकरी छोड़कर कनॉट प्लेस में मशहूर जैन चावल वालों के यहाँ वेटर का काम करने लगा था। हालांकि हबीब उसे अब भी ढूंढ रहा था। बताया गया कि 31 मार्च को हबीब ने अपनी पति समीना से सचिन को फोन करवाया। समीना ने सचिन को एक सुनसान जगह बुलाया। इसके बाद सचिन को हबीब ने गाड़ी में बिठा लिया और पत्नी साथ चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हबीब ने इसके बाद सचिन का शव बिना कपड़ों के हिडन नदी में फेंक दिया और गाड़ी वापस लाकर धो दी। पुलिस ने बताया कि सचिन को ढूंढने के लिए उसने कॉल डिटेल निकलवाई, जिन्हें उन्हें सुराग मिला। जिसके बाद पुलिस पूछताछ में हबीब और समीना ने सचिन की हत्या की बात मान ली और बताया कि उन्होंने लाश कहाँ फेंकी है। सचिन की हत्या के मामले में समीना और हबीब अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को इस मामले में शक है कि हबीब के साथ हत्या में और लोग भी शामिल रहे होंगे। पुलिस पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने सचिन का शव उनके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया है। मामले में हत्या पर FIR दर्ज हुई है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज़।